पीडीएम का सब तक होने जा रहे हैं, क्या कहेंगी कि इंतजाम के लिए कुछ साफ़ डाली गई थी, क्या कहेंगे इंतजाम के लिए कंटेनर रेट आए कैरियर मुकम्मल होनी चाहिए थी, कुछ साफ़ डाली गई थी गवर्नमेंट की जानकारी जिले इंतजामी की जानकारी देखिए गवर्नमेंट की जाने से आप सबको पता है जिस तरह मुकाबले डाली गई थी, लेकिन इन शाह तला जब अजम मजबूत तो इनके साथ मुल्तान में हुआ था दुम दबा के भागे थे, अभी भागे इंशाल्लाह जलसा दखल होगा और भरपूर होगा इंशाल्लाह ताला। मैडम ये बता रहे हैं कि आज कंटेनर लगाने की प्लानिंग की गई है ताकि तमाम रास्तों को बंद किया जाए, जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे काकुन आएंगे उनके लिए रास्ता बंद करने की प्लानिंग की गई, क्या कहेंगे आप हुकूमत? ये आपको किसने कहा है? मैं तो यही कहूँगी कि मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, ये इनके खौफ की निशानी है, ये जितना भी कर ले आवाम निकलेगी इंशाल्लाह सारी रुकावटें तोड़ के आएगी इंशाल्लाह। मैडम कल आप बिलावल के साथ आ रही हैं, वहाँ से इकट्ठे निकलेंगे रैली की सूरत में? इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह। आज पंजाब ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग अपोजिशन पूरी करप्शन के अलावा हमसे मुजाकरात करे तो करने के लिए तैयार है, उसके अलावा जो हुकूमत के साथ आपकी डील होती है क्या आप डील कर रही हूँ किसान बैठ के बातचीत? देखिए वो जिन भी अल्फाज में अब आपसे एनआरओ मांगे और मुस्लिम लीग नून अब एनआरओ नहीं देगी। मरियम सभा कल 13 दिसंबर के जलसे के बाद क्या होने जा रहे हैं? 13 दिसंबर के कल आप 13 दिसंबर के जलसे में सुन लेना ना, अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो क्या फायदा फिर? नवाज शरीफ साहब कल जो बात करेंगे आप सुन लेना ना उनकी बात इंशाल्लाह। शेख साहब को वजीरे दाखला लगा दिया गया, उसके बारे में आपने कहेंगे? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। थैंक यू। थैंक यू मैडम। लेकिन मीडिया के आए इस जलसे के अंदर मैडम।